दिन होता है फ्राइडे का और मैं उठ जाता हूँ थोड़ी जल्दी। आज धूप भी बहुत तेज निकली और साथ में मेरा खिलखिलाता हुआ पौधा। सो के उठ के रोज 10 मिनट मैं बालकनी में खड़ा होता हूँ, नहा धो के जल्दी से मैं हो लिया रेडी और इधर मेरा ब्रेकफास्ट के लिए अंडा भी रेडी हो जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए मैंने अंडा खाया। फिर थोड़ा सा काम करने के बाद टाइम हो जाता है नमाज का। जुमे की नमाज में 10 मिनट बाकी है और मेरी हो जाती है चाय रेडी। सो मैं भी कपड़े पहन के रेडी हो जाता हूँ। चाय का सिप लेते हुए करता हूँ नमाज की तैयारी। खुशबू लगाकर मैं निकलता हूँ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद। मुझे डर था कि कहीं नमाज ना निकल जाए। मस्जिद में आते ही देखा जगह पूरी भर चुकी है, यहाँ कहीं भी जगह नहीं। मजबूरी में यहाँ की छत पे आना पड़ा और धूप में नमाज पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह कुतबे के साथ नमाज मिल गई। अब बची हुई नफली नमाज मैं पढ़ता हूँ घर आके, जो कि सुन्नत हो या नफली नमाज ये घर पे ही पढ़नी चाहिए। इसके अलावा फर्ज नमाज इमाम के पीछे ही पढ़नी चाहिए। बहुत से लोग घर में ही पढ़ लेते हैं फर्ज नमाज, ऐसा कभी ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज मुकम्मल हो चुकी है। मैं निकलता हूँ बाहर, एक दो पर्सनल काम थे। सभी काम निपटाने के बाद मेरी नजर पड़ जाती है यहाँ, क्यों ना पानी पूरी के मजे लिए जाए, जहाँ अलग अलग फ्लेवर्स का पानी था। तो मैंने ये काम करने में जरा भी देरी नहीं की और एक एक करके पानी पूरी मैं तो खाता गया, वो भी बिना हाथ रोके। भैया कहने लगे बस करो, मैंने कहा नहीं बस दिए चले जाओ। मजाक मजाक में 110 रुपए की पानी पूरी खा गया। ये पानी पूरी खाने का अपना अलग ही मजा है, जहाँ सारे जायके आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और पानी इतना टेस्टी था, मेरा तो मन कर रहा था खाए जाओ खाए जाओ। फाइनली मैंने यही ब्रेक लगा दिया। यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो करते जाना। जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज।